हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ संजीव अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। उम्मीद करें सर 2023 जितना ही उससे बढ़िया आपके लिए अगला साल साबित हो, ये हमारी शुभकामनाएं। बताएं सर, मार्केट लाइफ हाई पर लाइफ हाई बना रहे हैं। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई आप तेजी के मूड में थे भी, बिल्कुल आपने कहा कि अभी भी बहुत तेजी होगी, बढ़िया तेजी होगी, हो भी रही है। इस वक्त क्या करें, बुलिश, बेरिश, कॉशियस, क्या रहना चाहिए सर? अनिल जी, पहले तो आपको और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से भी बधाई और शुभकामनाएं कि 2024 जो है वो 2023 से भी बेहतर रहे। आपको याद होगा हमारा पहला जो हमने इंटरेक्शन किया था 25 जनवरी को किया था, जिस दिन हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तो मार्केट में काफी खराब एक तरह से पैनिक ही सा एटीट्यूड था कि भाई क्या होगा, मार्केट क्रैश कर रहे थे। तब हमने कहा था कि 21,000 का टारगेट, 19,000 से 21,000 का टारगेट हमने दिया था, ये निफ्टी में 2023 में आएगा, जो अब आ चुका है। और उसी समय बात हुई थी कि S&P जो है वो 5,500-5,600 का हमारा टारगेट है, तो निफ्टी भी 25,000 तक जा सकते हैं। उस समय 25,000 काफी दूर लग रहा था, मगर अब लगता है लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि 25,000 भी इस साल में आ जाएगा। देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो ये लास्ट इंटरेक्शन जब हमारा हुआ था इलेक्शन से पहले, तब भी मैंने कहा था कि इलेक्शन के बाद मार्केट में अच्छी तेजी है, और अभी भी जैसे लगता है बजट से पहले हमारा एक बार 22,000 तो टच हो जाना चाहिए, बट इस लेवल पे हम बहुत कॉशियस हैं। मतलब मार्केट एक इतनी तेजी से बढ़ चुका है, अगर अक्टूबर 26 से जो बढ़ना शुरू हुआ है 18,837 की बॉटम के बाद, आज हम 21,759 पहुंच चुके हैं, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई नहीं है कि अभी आप सेल कर दे या शॉर्ट सेल कर दे, बट यहाँ पे फ्रेश बाई लेना किसी ट्रेडर के लिए बड़ा मुश्किल है। और करेक्शंस जो आएंगे, अभी थोड़े टाइम पहले भी मिला था पिछले बीच में और अभी भी आगे मिलते रहेंगे, तो वहां पे खरीदना है। और बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो अभी चलने शुरू हुए हैं या जिनमें एक बड़ी लंबी मूव बनने की आशा है, उन शेयर्स में जो अभी चले नहीं है ज्यादा, वहां ज्यादा हमारी तरफ से वो रहेगी रिकमेंडेशन की उन सब शेयर्स में। देखिए, हम तो टेक्निकल पैटर्न के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं और हमने कई सारे शेयर्स पकड़े भी थे और अच्छा मूव अब देना शुरू किया है, और जो ऑलरेडी चल चुके हैं अब उसमें स्टॉलिंग पैटर्न आ रहा है, स्टॉलिंग डाइवर्जेंसेस आ रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन जो ऑलरेडी भाग चुके हैं वो बैटन जो है उन लोगों को दे जो अभी तक नहीं भागे हैं, तो रोटेशन वाली एक स्ट्रेटजी रहेगी। ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये साल जैसे S&P का हमारा जो टारगेट था 5,500 से 5,600 से वो बरकरार है और अगले 8 महीनों में करीब पहुंचना चाहिए, तो डेफिनेटली S&P अगर 5,500-5,600 के आसपास जाता है तो निफ्टी एक क्लियरली 24,000-25,000 तो आराम से मिलना चाहिए। और जिस ढंग से ये इलेक्शन के बाद एक तरीके से ये पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है फॉरेन इन्वेस्टर्स में, तो वो एक जरूर है कि ये साल हमारे लिए अच्छा रहना चाहिए। बट एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जनरली जब भी इस टाइप की यूफोरिया होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो होता है करीब 3 से 8 जनवरी या तो यहाँ पीक बनती है या फिर 15 फरवरी के आसपास पीक बनती है, और उसके बाद एक डिसेंट करेक्शन आता है, तो इन्वेस्टर्स को अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप जरूर लगाना चाहिए। आप भले ही अप पे बुक करें ना करें, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अप चलते हुए मार्केट में अगर आप हाई पे बुक करने की कोशिश करेंगे तो पता चला कि जहां आपने बुक किया वो एक महीने बाद आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत जल्दी बेच दिया मैंने। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हम कर रहे हैं और वो करना भी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक कॉशनरी व्यू लेना चाहिए कि ओवरली बुलिश नहीं है, मतलब ऑल इन नहीं है, वी आर हैविंग सम चिप्स आउट ऑफ द मार्केट, हम आधा पैसा बाहर निकाल के रखेंगे, आधा हम इन्वेस्ट रहेंगे, ये हमारा तरीका।
ओके, तो ये आपके लिए राय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की आती हुई दिख रही है। अब बताइए सर, 2024 के लिए क्या टारगेट्स आपने रखे हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, अगर कोई टारगेट्स हैं आपके नजर में तो? देखिए, निफ्टी का टारगेट अभी मैंने जैसे बोला था कि 24-25 हजार के आसपास उस रेंज में एक टारगेट बनना चाहिए, और बैंक निफ्टी देखे तो 50 से 52 हजार। और वैसे भी मेरे को लगता है कि बैंक्स में अच्छा मूव आएगा, फाइनेंशियल्स काफी अच्छा करेंगे, तो मतलब 50 से 52 हजार के बीच में कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है, इजी टारगेट है। जब हमारा हायर टारगेट 52 हजार का अगर पहुंचेगा तो उसके बाद हम भले ही रिवाइज करना चाहें, बट अभी कोई बहुत आउटलैंडिश टारगेट हम नहीं दे रहे। अग्रवाल साहब बताएं सर, कहां आप बुलिश हैं, कहां थोड़े बेरिश? ये मैं बुलिश अगर देखें तो ये केमिकल, आईटी, फाइनेंशियल्स, सीमेंट एंड इवन मेटल्स, ये ऐसे सेक्टर हैं कि जिसमें मेरे को लगता है कि एक अच्छा उछाल अभी बाकी है। और ओवरऑल एक सेक्टर मेरे को लगता है कि काफी रनअप किया हुआ है, विच इज फार्मा। तो वो फार्मा में मेरे को लगता है कि मैं अंडरवेट रहूंगा। एक्चुअली अभी बेरिश तो मैं किसी पे नहीं हूँ कि जब तक कोई सेल सिग्नल नहीं आता तब हम उस जिस भी शेयर में पर्टिकुलरली नॉट इवन सेक्टर हम उस ढंग से लेते हैं, बट मैं फार्मा में थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। और ये जो बाकी सेक्टर है इसमें एक अच्छा एक केमिकल मेरे को लग रहा है कि काफी अच्छा करेक्शन देने के बाद, मतलब इसने पूरा 2 साल का करेक्शन दिया, जैसे देखेंगे दीपक टाइटाइट जो था वो 3,000 से ऊपर गया था और 1750 तक का इसने करेक्शन दिया था, हमने करीब इसे 2,000 के आसपास कैच किया था, मगर अभी भी 2400 के ऊपर हमारा मिनिमम टारगेट 2400 था, अब 2400 के ऊपर भी हमें लगता है कि ये नया ऑल टाइम हाई इस साल बना जाना चाहिए, तो हमने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, होल्ड कर रहे हैं। और काफी सारे अगर शेयर्स की बात करें, वोल्टास अच्छा लगता है, वेदांता अच्छा लगता है, बीपीसीएल में एक मूव आनी चाहिए, भारतीय एयरटेल अच्छा है, मतलब जितना भी करेक्शन है मिले 1000 से 975 के आसपास, मेरे को लगता है कि इसमें अभी पैटर्न है नया तेजी बनने का, नया ऑल टाइम हाई भी बनेगा। ओवरऑल देखिए शेयर्स में पैटर्न बदलते रहते हैं, हमारा कोई सेक्युलर बहुत लंबा टर्म का जैसे किसी सेक्टर में कोई एक वो उस ढंग से नहीं है, हम रोटेशन पैटर्न्स के हिसाब से, और पैटर्न्स जो है बड़ा डायनेमिक है, अनलाइक फंडामेंटल्स टेक्निकल एनालिसिस एक बड़ी डायनेमिक फील्ड है, और डेली जो आज बुलिश है हो सकता है कल बेरिश हो जाए ट्रेडिंग के हिसाब से, जिसमें हम आज बाय में मॉर्निंग में बाय में इवनिंग को सेल में हो जाए ये हमारा कोई भरोसा नहीं होता, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्योंकि इंटैक्ट है तो बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर है रादर देन ट्राइंग टू शॉर्ट। तो जो डिप्स आते हैं उसमें आपको सपोर्ट पे जब एक बार स्टेब्लिश हो जाता है और पुराने भी सपोर्ट है तो वहां लेना चाहिए, जैसे अभी 21,000 या 20,800 के आसपास आता है तो निफ्टी में 20,600 का स्टॉप लॉस रख के लेना चाहिए, 22,000 डेफिनेटली मिलना चाहिए और आगे जाके तो मेरे को 25,000 तक का उम्मीद है ही। ओवरऑल आज आखिरी क्लियरिंग है ईयर की, मंथ की, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर हो, और आज का एक बड़ा सिंपल सा मेरा पैटर्न रहता है निफ्टी में कि पहले 1.25 घंटे हम कुछ भी ज्यादा नहीं करते हैं, अब 10:30 तक मार्केट एक तरह से सेटल हो जाता है, जिसे कहते हैं ओपनिंग रेंज बन गया, अब जिस साइड में ब्रेकआउट होगा या अभी हाई टूटेगा सब आज समझिए कि आज का हाई जो है वो है 21,760 के करीब और बॉटम है करीब 21,676, तो जिस साइड में ये टूटना शुरू होगा वहां हम डेफिनेटली उस दिन का जनरली जो ट्रेंड है वो उस डायरेक्शन में रहता है। ये जनरली ये पैटर्न बैंक निफ्टी में उतना कारगर नहीं है जितना निफ्टी में है, तो मेरे को लगता है प्रॉफिट बुकिंग आज भी आ सकती है या अगले हफ्ते भी आ सकती है, तो वी आर कॉशियस। एक्चुअली हम अभी थोड़ा सा हेज हो गए, मतलब कुछ लॉन्ग है तो कुछ शॉर्ट भी किया हुआ है। ये है आपके लिए राय, केमिकल, आईटी, फाइनेंशियल, सीमेंट पसंद है, दीपक नाइट्राइट, बीपीसीएल, वोल्टास, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर भी संजीव जी को पसंद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी नए साल के कुछ और बेहतर बड़े आउटलुक के साथ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।